दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एडेक्स अप्रूवल के बाद एमए अकाउंट अप्रूवल मिलने के बाद कैसे आप गूगल एड मैनेजर का सेटअप करोगे एंड कैसे आप डिस्प्ले एड, एंकर एड्स एंड इंटरस्टिशियल एड्स को अपना वेबसाइट में प्लेस करोगे, सारा जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि एमए अकाउंट अप्रूवल के बाद कुछ इस तरीके का मेल रिसीव होता है। एड मैनेजर अकाउंट को प्रॉपरली सेटअप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर आप प्रॉपरली सेटअप नहीं करते हो तो आपका अर्निंग उतना अच्छा एंड बढ़िया नहीं होगा। दैट्स वाई इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना एंड प्रॉपरली आपका एड मैनेजर अकाउंट को सेटअप करना है। सो दोस्तों एमए अकाउंट अप्रूवल के बाद डायरेक्टली आपको एड मैनेजर अकाउंट ओपन कर लेना है एंड यहां पे एडमिन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप देख सकते हो एक नई न्यू सेक्शन ओपन हो चुका है, मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन। सो मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे दोस्तों आप जहाँ से एमए अकाउंट का अप्रूवल कराया है उस नेटवर्क का कोड दिखाई देगा एंड उस कंपनी का नेम दिखाई देगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं इस सेक्शन को ब्लर करके रखा। अब दोस्तों एक बार एड मैनेजर अकाउंट को आपको रिफ्रेश कर लेना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे एक न्यू सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट पब्लिशर्स एंड यहाँ पे एड एक्सचेंज करके एक न्यू सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, एड एक्सचेंज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कैन नॉट साइन अप फॉर एड एक्सचेंज, एडसेंस बैकफिल नीड्स टू बी डिजेबल। अगर ऐसा प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा है तो आपको नेटवर्क सेटिंग में जाके एडसेंस को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे दिखा देते हैं। सो दोस्तों नेटवर्क सेटिंग पे जाने के लिए आपको डायरेक्टली इन्वेंटरी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एडसेंस चूज है, मैक्सिमाइज रेवेन्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी विथ एडसेंस, ये सिलेक्टेड है। इसको क्या करना है, डिसलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों नेटवर्क सेटिंग हो चुका है। अब डायरेक्टली फिर से मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एड एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे और एक बार रिफ्रेश कर देंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है एड एक्सचेंज का ऑप्शंस। अब यहाँ पे रिव्यू एड एक्सचेंज टर्म्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको पढ़ लेंगे एंड उसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आई हैव एंटर्ड माय साइट एंड वाज अप्रूव्ड टू सर्व एड, इसको चेक कर लेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इनेबल एड एक्सचेंज, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एड मैनेजर अकाउंट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे एंड थोड़ा वेट कर लेंगे। सो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ads.txt मैनेजर ऑप्शन आ चुका है। एडमिन सेक्शन के अंदर ads.txt मैनेजर ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रिएट एन ads.txt फाइल, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ads.txt शो हो गया है। इस ads.txt को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, को कॉपी कर लेंगे एंड अपना साइट पे लगाना है। अगर ब्लॉगर यूज करते हो तो ब्लॉगर पे ads.txt लगा लो एंड अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो एक प्लगइन आ जाता है txt मैनेजर करके, उस प्लगइन पे आपको txt को लगा देना है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो साइट है यहाँ पे ओपन करके ads.txt को लगा देता हूँ। एडसेंस कोड उसके जस्ट नीचे इस ads.txt फाइल को लगा देता हूं। उसके बाद एक बार मैं अगर कैसे प्लगइन आप वेबसाइट में यूज करते हो तो उसको एक बार और पार्च कैसे कर दो। सो दोस्तों वीडियो के इस पोर्शन में मैं दिखाने वाला हूं
एड मैनेजर अकाउंट में ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। सो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको डिलीवरी पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑर्डर सेक्शन पे आ जाना है, यहां पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। सो यहां पे आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहां पे आपको ऑर्डर नेम लिखना है। सो मैं एडिक्स लिख देता हूं। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजर चूज करना है, जैसे कि ये मैं पहले से ये एक ऑर्डर क्रिएट करके रखा था गूगल के नाम पे, तो उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो आप न्यू से भी क्रिएट कर सकते हो। मैं न्यू कैसे क्रिएट करोगे वो भी वो बता देता हूँ। सो यहाँ पे ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो टाइप में सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजर एंड नेम दे देंगे google.com। इसके बाद दोस्तों लाइन आइटम क्रिएट करना होगा। सो लाइन आइटम क्रिएट करने के लिए ऐड लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे और यहां पे दोस्तों देख सकते हो दो टाइप का ऐड दिखा रहा है, एक डिस्प्ले एड्स एंड एक वीडियो और ऑडियो एड्स। सो यहां पे मैं डिस्प्ले एड्स को यूज करूंगा, सिलेक्ट डिस्प्ले एड्स पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली एंड यहां पे लाइन आइटम टेम्पलेट्स। सो यहां पे डायरेक्टली नेम दे देते हैं डिस्प्ले एड्स का। सो यहां पे एडिक्स मैं लिख देता हूं और यहां पे आपको टाइप में सिलेक्ट कर देना है एड एक्सचेंज 12। सो इसको सिलेक्ट कर देना है यहां पे। इसके बाद ऑल रिक्वेस्टेड साइज इस पे चेक कर देना है। सो यहां पे चूज कर लेंगे सेल्फ सर्विस एडेक्स डिस्प्ले एंड डिलीवरी सेटिंग्स में स्टार्ट टाइम इमीडिएट कर देंगे एंड एंड टाइम अनलिमिटेड कर देंगे। इसके बाद और कुछ छेड़खानी यहां पे करना नहीं है, डायरेक्ट सेव कर देंगे। सो यहां पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ रहा है नीड्स क्रिएटिव्स। सो यहाँ पे मैनेज क्रिएटिव्स पे जाना होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिव्स करके लिखा है, तो इस पे चलेंगे एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेनरेटेड क्रिएटिव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिखाना चाहिए। अब एक बार फिर से एड मैनेजर अकाउंट को रिफ्रेश कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अप्रूव बटन आ रहा है, तो यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करके ऑर्डर को अप्रूव कर देना है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप गूगल एड मैनेजर अकाउंट में ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि एड यूनिट कैसे आप क्रिएट करेंगे। इसमें इंटरस्टिशियल्स एड यूनिट, देन एंकर एड यूनिट, देन बैनर एड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताऊंगा एक एक करके। सो दोस्तों एड यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्वेंटरी में एड यूनिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एड एक्सचेंज डिस्प्ले एंड एड एक्सचेंज मोबाइल इन ऐप, ये दो एड फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो बेसिकली फर्स्ट वाला जो है एड एक्सचेंज डिस्प्ले ये वेबसाइट के लिए है एंड एड एक्सचेंज मोबाइल इन ऐप ये जो है मोबाइल ऐप्स के लिए है। तो मैं डिस्प्ले यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड को कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा। सो ऐड क्रिएट करने के लिए आपको चाइल्ड ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको ऐड यूनिट का नेम दे देना है, उसके बाद यहाँ पे कोड देना है एंड इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। सो यहाँ पे मैं एड यूनिट का एक नेम दे देता हूँ एंड उसको यहाँ पे कोड पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे सेम एड यूनिट का नेम को ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप बाद में आइडेंटिफाई कर पाओगे किस तरीके का एड आप क्रिएट किए। इंटरस्टिशियल एड फॉर्मेट के लिए आपको 1024x768 इस फॉर्मेट को चूज करना है। इसके बाद आपको यहां पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहां पे व्यू चाइल्ड एड यूनिट करेंगे तो
तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो एड्स क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल्स एड यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे टैग पे जाएंगे और यहाँ पे टैग टाइप में गूगल पब्लिशर टैग को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो है वैसे ही रखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस यहाँ पे लाइव ट्रैफिक में इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक को इनेबल कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखो हेडर एंड बॉडी कोड आ चुका है, ये डायरेक्टली अगर हम पेस्ट करेंगे तो ये डिस्प्ले के तौर पे दिखाएगा, मगर इसको इंटरस्टिशियल एड में कन्वर्ट करना है, एक आर्टिकल मैं बना दूंगा, इस आर्टिकल पे आके आपको इस कोड को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दो कोड आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो कोड है इंटरस्टिशियल के लिए एंड सेकेंड जो कोड है वो एंकर एड्स के लिए। सो इंटरस्टिशियल एड के लिए ये जो कोड है यहाँ से इतना तक आपको नोटपैड में कॉपी करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो टेक फॉर यू डॉट इन जो प्लेस है यहाँ पे क्या पेस्ट करना है आप देख लो। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इस एड के अंदर यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश से लेके ये जो इनवाइटेड कॉमा है इसके अंदर जो भी कोड है, सो यहाँ से यहाँ तक इसमें कॉपी करेंगे एंड ये जो नोटपैड में फिर से आना है और यहाँ पे टेक फॉर यू डॉट इन पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो टोटल जो कोड होगा ये आपका वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे लगाना है। इंटरस्टिशियल एड्स रन होगा जब आप इस कोड को हेडर सेक्शन पे लगाओगे। सो अपना टैग को यहाँ पे डालना है जो कि ध्यान से आपको लगाना होगा, इससे आपका इंटरस्टिशियल एड क्रिएट हो जाएगा। अब बताऊंगा कि एंकर एड्स कैसे क्रिएट करना है। सो एंकर एड्स क्रिएट करने के लिए फिर से एड चाइल्ड एड यूनिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे यहाँ पे नेम दे देंगे टॉप एंकर एड्स एंड यहाँ पे भी मैं कोड पे भी वही पेस्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन पे भी वही पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करना है। सो साइज में आपको 300x50, 300x100 एंड 320x100 ये तीन साइज आपको चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर देना है। टैग पे जाएंगे, टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से टैग टाइप गूगल पब्लिशर टैग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से सेम प्रोसीडियर फॉलो करेंगे, यहाँ पे इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कोड आ चुका है, देखो बैकवर्ड स्लैश से लेके इनवाइटेड कॉमा के अंदर जो भी है उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली इस कोड को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो टॉप एंकर एड वन हेडर कोड। सो यहाँ पे आके डायरेक्टली आपको टेक फॉर यू डॉट इन इस प्लेस में आपको पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के बाद ये टोटल जो कोड है इसको कॉपी करना है एंड हेडर सेक्शन पे प्लेस कर देना है एंकर एड। कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान एंड सिंपली एंकर एड्स एंड इंटरस्टिशियल एड्स आप क्रिएट कर पाएंगे। मैं क्रिएट करूंगा डिस्प्ले एड। यहाँ पे आपको एड चाइल्ड एड यूनिट पे फिर से क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले एड वन। सो वही डिस्प्ले एड वन को कोड पे भी पेस्ट कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन पे भी मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पे साइज पे जाएंगे, डिस्प्ले एड्स का साइज तीन साइज है। सो यहाँ पे साइज में 250x250, 300x250 एंड 336x280 सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे व्यू चाइल्ड एड यूनिट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एड्स वन पे आएंगे, टैग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गूगल पब्लिशर टैग को सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका आपके पास एड यूनिट आ चुका है। दोनों एड यूनिट को कॉपी करना है एक एक करके, हेडर एड यूनिट को पहले
कॉपी करना है, उसके बाद एड इंसर्टर प्लगइन पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। देन ठीक उसके नीचे आपको बॉडी डॉक्यूमेंट्स बॉडी जो टैग है इसको कॉपी करना है, उसके बाद ठीक इसके नीचे आपको इस टैग को पेस्ट कर देना है। एंड जहाँ पे आप शो करना चाहते हो डिस्प्ले ऐड को, वहाँ पे आप ऐसे शो करा सकते हो। इस तरीके से आप डिस्प्ले एड्स, एंकर एड्स एंड इंटरस्टिशियल एड बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप के इस वीडियो को देख के आप एडेक्स अकाउंट को सेटअप करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।